अस्सलाम वालेकुम, दिस इज उमर की अब्बासी फ्रॉम aman.com। जैसा कि लाहौर स्मार्ट सिटी ने नए रेट्स अपने लॉन्च कर दिए हैं और इसी हवाले से मुझे मल्टीपल कॉल्स मौसूल हो रही हैं। उन्हीं में से एक क्लाइंट हमें आज विजिट करने जा रहे हैं, उनकी मुख्तलिफ क्यूरीज को मैं आज एड्रेस करूंगा और मेरी कोशिश है कि वो क्यूरीज आप तक पहुँचाऊँ और अगर आपके जहन में कोई ऐसे सवाल हों तो उससे उसके बाद वो क्लियर हो सकें। आपने पहले भी इन्वेस्टमेंट की है और मुख्तलिफ प्लॉट में आपने अर्निंग भी हासिल की है, फ्रूटफुल रिजल्ट भी लिए हैं आपने। इसी तरीके से लाहौर के न्यू रेट्स लॉन्च हुए हैं कल, जिसमें आप अभी बुकिंग करवा सकते हैं और जिसमें 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 12 मरला और कनाल की कटिंग अवेलेबल है जिसमें बुकिंग्स अभी हो रही है। क्या रेट्स थोड़े बहुत अपडेट करेंगे, क्या रेट्स चल रहे हैं? तो इसमें ओवरसीज और एग्जीक्यूटिव ब्लॉक ही है, ठीक है। और 5 मरला के अंदर जो रेट्स हैं वो हैं एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में 26,85,000 रुपये और इसी तरीके से 5 मरला का जो ओवरसीज है वो 28,45,000 का है और 7 मरला 34,90,000 और ओवरसीज इसका तकरीबन 37,00,000 रुपये के अंदर। और कनाल का जो रेट है वो 80,50,000 का एग्जीक्यूटिव ब्लॉक है और 84,90,000 का ओवरसीज ब्लॉक है। उमर, इसमें डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है? जो प्रीवियसली भी सीन था उसमें क्या स्टेटस अभी डेवलपमेंट का? डेवलपमेंट बहुत तेजी से जारी है, हमारी टीम 24/7 इसमें काम कर रही है और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपको पोजेशन देने वाले हैं और इंशाल्लाह ये न्यूज भी बहुत जल्द आप सुनेंगे। तो मुझे ये बताएं, अभी आपने जो न्यू रेट्स लॉन्च की हैं इसके साथ कमर्शियल भी आपने लॉन्च किए न्यू रेट्स के साथ? क्योंकि लास्ट आपको पता है मैंने कमर्शियल भी एक इन्वेस्ट किया था जिसमें मैंने अच्छा अर्न किया, लेकिन उसमें कमर्शियल भी कोई न्यू रेट लॉन्च किए हैं? फिलहाल कमर्शियल लॉन्च नहीं हुआ, इंशाल्लाह उम्मीद है ऐसी कोई अपडेट आती है वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। अभी सिर्फ रेजिडेंशियल की कटिंग लॉन्च की है। तो अभी आप मुझे क्या सजेस्ट करते हैं, अभी इस वक्त मुझे क्या किस तरीके से लेके चलना चाहिए इसको फर्दर? सर, उसके लिए तो मुझे आपसे कंफर्म ही करना पड़ेगा, पूछना ये पड़ेगा कि आप कितने बजट के अंदर चीज़ों को लेके चल रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, कितना बजट है आपका, अगर थोड़ा सा मुझे बता सकें। यार अभी इस वक्त तो मेरे पास मेरा दिल में 5-10 लाख के दौरान ही दरमियान में ही इन्वेस्ट करूँ। सही, आप 5-10 लाख के अंदर अगर आप सजेशन लेते हैं तो मेरे ख्याल में आप 5 मरला की तरफ जाएँ और उसमें जितनी लिमिटेड स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है उसमें मैं कोशिश करूंगा कि जितना भी हो सके मैं आपको उसके अंदर फैसिलिटेट करूं और जितने भी प्लॉट्स हो सके मेरे पास आपके लिए, एक प्लॉट, दो प्लॉट या जितने भी अवेलेबिलिटी हो सके आपके लिए। ये क्या एक प्लॉट दो प्लॉट इस तरह को कोटा आपको अलॉट किया गया? हाँ, ये वजह है कि डिमांड ज़्यादा होने की वजह से डिफरेंट कंपनीज को और हमें भी कोटा दिया गया है, जिस कोटे के अंदर हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। हम उस तरीके से जैसा पहले आपको प्लॉट दिए थे उस तरीके से अभी रिटेन नहीं कर पाएंगे, मार्केट में हाइप होने की वजह भी यही है कि डिमांड ज़्यादा होने की वजह से स्टॉक कम है। तो मेरी कोशिश है कि सर आप क्योंकि हमारे पुराने इन्वेस्टर्स भी हैं, आपने पहले भी इन्वेस्ट किया है और आपकी पहले भी जो प्लॉट हैं हमने आपको लेके दिए हैं, आपको सेल भी करके दिए हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज भी आपको इंशाल्लाह आगे भी हम देंगे, तो मेरी कोशिश ये है कि जितने मैक्सिमम हो सके मैं आपको रिटेन करूँ। तो यार अभी फिर मुझे ये बताएं बुकिंग का क्या प्रोसीजर, क्या बुकिंग का क्या तरीका है? प्रोसीजर बहुत ही आसान है, लाहौर स्मार्ट सिटी के अकाउंट हम आपके साथ शेयर करेंगे, आप वहाँ पेमेंट करेंगे, अपने प्लॉट की बुकिंग करवाएंगे या हमारे ऑफिस को विजिट करेंगे, जो हमारे ऑफिस हैं विजिट करें और वहाँ अपने डॉक्यूमेंट्स आप हमें देंगे जिसमें आपका CNIC हमें रिक्वायर्ड है, आपकी पिक्चर हमें रिक्वायर्ड है और नेक्स्ट ऑफ किन की आईडी कार्ड की डिटेल्स हमें चाहिए होंगी, हम आपका फॉर्म फिल करेंगे और सबमिट करेंगे और आपके प्लॉट को बुक करेंगे। ओवरसीज, यार मेरा वो एक कज़न है वो भी लेना चाह रहा है, तो ओवरसीज में कुछ क्या करना है, ओवरसीज में क्या करना है मैंने जी? अगर ओवरसीज क्लाइंट की बुकिंग चाह रहे हैं तो ओवरसीज क्लाइंट में आप जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं देख लूँगा अवेलेबिलिटी सबसे पहले, अगर मेरे पास अवेलेबल होता है तो मैं आपको ज़रूर कन्वे करूँगा, उसके मुताबिक आपको जो भी बुकिंग है मैं आपको इंशाल्लाह मैक्सिमम कोशिश है। ओवरसीज में कोई मजीद डॉक्यूमेंट भी है? सेम डॉक्यूमेंट्स है नहीं, ओवरसीज के लिए डेफिनेटली वो क्लाइंट का ओवरसीज होना भी ज़रूरी है, मुझे उनके पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, मजीद डिटेल्स हैं जो मैं आपसे रिक्वायर करूँगा जो आप मुझे फ्राहम करेंगे। और आप क्या एक्सपेक्ट करें उमर, ये क्योंकि रेट्स आपने जो भी लॉन्च किए ये तो मतलब प्रीवियस के मुताबिक काफ़ी ऊपर है, तो क्या डू यू एक्सपेक्ट कि इसमें मजीद बेहतरी हो सकती है या फ्रूटफुल है हमारे लिए? सर, इसकी बेहतरी है, आप क्योंकि देख रहे हैं कि जो लास्ट रेट था 5 मरले का 21,60,000 रुपये, ठीक है, अभी जो उसके बीच में गैप अभी 26,80,000 के करीब जो भी गैप इन बिटवीन आ रहा है वो अभी भी मार्केट में गैप फुलफिल हो चुका है, क्योंकि इतना प्रॉफिट चल रहा है कि जो मौजूदा रेट्स हैं वो अभी भी कम है,
ठीक है। अगर कंपनी इसे 1-2 लाख रुपए ऊपर भी रेट लॉन्च करती तब भी इसकी जो है डिमांड इसी तरह रहती, तो अभी भी इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल रहेगी आपके लिए और अभी भी डिमांड ज़्यादा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी कोशिश है कि मैं आपके लिए किस लेवल पर जा सकता हूँ और कितने प्लॉट्स आपके लिए कर सकता हूँ। उमर, मजीद कटिंग्स आने का कोई इरादा है मतलब किसी भी हवाले से? सर अभी तो फिलहाल ऐसी कोई अपडेट नहीं, इन फ्यूचर अगर हमारे पास कोई ऐसी अपडेट होती है हम आपसे जरूर शेयर करेंगे। चलिए उमर, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। मैं इंशाल्लाह होपफुली मैं आज ही इस पर डिस्कशन करता हूँ अपने कज़न के साथ भी और होपफुली इंशाल्लाह आज ही मैं आपसे बुकिंग क्लोज करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत थैंक यू उमर। amanat.com पाकिस्तान फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टल, मशवरा अमानत है।